ये कुछ झलक सी क्यों दिख रही? देखो हमारे प्यार के निशाने की दो कॉपीज, एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास। जानू ये क्या फिल्मी हरकत है? आजकल के कैमरा फोन्स के जमाने में फोटोस कौन डेवलप कराता है? और फिर मेरे फोन में तुम्हारी इतनी सारी फोटोस है तो सही। तुम भी ना, फोन खो सकता है ना, फोटोस डिलीट भी हो सकती है और फोन हैंग भी हो सकता है, समझे? लेकिन ये फोटोस तुम हमेशा अपने पास संभाल के रखोगे। मैंने ना ये पुरानी फिल्म में देखा था, टू चाइल्डहुड लवर्स होते हैं, वो लोग अपनी ये फोटो ना बीच में से फाड़ के डिवाइड कर लेते हैं, एक हिस्सा लड़की के पास होता है और एक हिस्सा लड़के के पास होता है, के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो उसी हिस्से को जोड़कर एक दूसरे को पहचानते हैं। मैडम माना कि आप अकल से अभी भी बच्ची हैं, लेकिन आपके उस फिल्म वाले चाइल्डहुड लवर्स की तरह शक्ल से तो ना आप बच्ची लगती हैं और ना मैं बच्चा लगता हूँ, सो व्हाट्स द पॉइंट? यू राइट, नो पॉइंट, न्यू आइडिया। माना कि हम बच्चे नहीं हैं, लेकिन जवान तो हैं। और कल को हम अगर बिछड़ भी जाते हैं और बहुत सालों के बाद मिलते हैं, लंबे सालों के बाद, और वो हमारे फेस पे झुर्रियां पड़ जाती ना, वो उसको क्या कहते हैं, रिंकल्स, तो एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? एक दूसरे के सामने भी आ जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे? तब ये फोटोज को देखकर हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, राइट? मैं नहीं मानता, क्योंकि मैडम आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, हमने अपनी ये सारी फोटोज सोशल नेटवर्किंग पर डाल रखी है। अब अगर आप अपनी ये झुर्रियों वाली शक्ल लेकर इस फोटो के साथ मेरे पास आते भी हो तो मुझे कैसे श्योरिटी होगी कि ये मेरी तन्वी है? ओह रियली? तो तुम्हारे पास मेरे अलावा और कौन आ सकती है? अरे कोई भी आ सकती है, कोई मेरी दीवानी जो सोशल नेटवर्किंग से इस फोटो को चुरा कर अपनी लटकती हुई शक्ल लेकर मुझसे रोमांस फरमाने आ जाए। मैं तो बुढ़ापे में लुट गया ना बारह के भाव में। थोड़ा हीरो बनते हो ना, पर एक बात याद रखना, मेरे जैसी तुम्हारी और कोई दीवानी हो भी नहीं सकती, समझे? एनीवेज मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, एक काम करती हूँ, इस फोटो में एक हिडन निशानी बना देती हूँ। ये लो, तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब मैंने इस फोटो में एक हिडन इनिशियल लेटर का टी लिख दिया है और मेरी फोटो में इनिशियल हिडन का आर। अरे पर ये तो इतना अनक्लियर है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। उफ़, माइक्रोस्कोप लगा के देख लेना। तुम वीना, सारे रोमांस का मजा खिड़की रख कर दिया। अच्छा ओके ओके, मैं रख रहा हूँ इसको। अरे स्माइल नहीं तो चला जाऊंगा वो दीवानी के पास। लिखा है ये फोटो तो राहुल के पास थी, मेरे पास कैसे आ गई? मिस्टर मेहता आप अपनी इस कंडीशन को इतना लाइटली मत लीजिए, हमने आज आपके जो भी टेस्ट करवाए हैं उससे बस एक बात साफ होती है कि यू नीड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन जो हम ट्राई कर सकते हैं, इसलिए आप अपने आप को आज एडमिट करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं थोड़ा सोच समझ लूं, देन आई विल गेट बैक टू यू। सोच समझ लूं से क्या मतलब है मिस्टर मेहता? मिस्टर मेहता आपके पास सोचने समझने का वक्त नहीं है, आपका केस एक्यूट हो गया है, कांट यू सी आप ब्लड वॉमिट कर रहे हैं, हर गुजरता दिन आपको आपकी डेथ के पास लेके जा रहा है। अगर इस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा भी डिले हुआ तो कुछ भी हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपकी दोनों किडनी माल फंक्शन हो सकते हैं। यू नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट राइट नाउ। मिस्टर मेहता प्लीज वेट हियर, मैं दूसरे कैबिन से अपने कलीग को बुलाकर लाता हूँ, ही इज अ स्पेशलिस्ट, आपका आगे का ट्रीटमेंट प्लान वही बनाएंगे। Meanwhile,
आप अपनी फैमिली को फोन कर दीजिए, कॉल समवन, हम आपका ट्रीटमेंट अभी और इसी वक्त शुरू करेंगे। यू वेट हियर। डॉक्टर का कहना है कि हर गुजरता दिन मुझे मेरी मौत की तरफ ले जा रहा है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अरे कोई इस डॉक्टर को समझाए कि मेरे लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। अनु के बिना जीने की सजा जो मुझे मिली थी उसकी मोहलत अब खत्म हो रही है। यह तो खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात। तनु, तनु तुम ही बताओ ये खुशी की बात है कि नहीं? तनु तनु राहुल की ही फोटो है। अरे मेरे पास कैसे आई? आज बीच में मेरी फोटो की कॉपी वहां गिरी और जो फोटो की कॉपी मैंने उठाई वो राहुल की कॉपी है। इसका मतलब आज राहुल बीच पे था। वो वहां क्या कर रहा था? वो तो मुझे कब का भूल चुका है। तो मेरी फोटो के साथ बीच पे था। क्या राहुल आज भी मुझे याद करता है? क्या वो मुझे नहीं बोला? दोबारा अपने जाल में नहीं फंसा सकते राहुल। सुना तुमने? मैं दोबारा तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूं। तुम मुझे याद कैसे कर सकते हो? बोलो, मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आए थे। तो फिर ये सब क्या है? क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? Ah!
अगर राहुल मुझे भूल गया होता तो 6 साल बाद मेरी फोटो लेकर हमारी फेवरेट स्पॉट बीच पर क्यों आता? ये सच है। राहुल आज तक मुझे नहीं भूला, वो मुझे आज भी याद करता है। हेलो हेलो यस मे आई स्पीक टू मिस्टर राहुल? एक्सक्यूज मी, अच्छी मैं राहुल मेहता से बात कर सकती हूँ? राहुल मेहता जी? देखिए मैम, अगर आपको राहुल मेहता से बात करनी है तो आप उनके नंबर पे कॉल करिए। आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं क्या? मैं आपको उनका नंबर क्यों दूँ मैम? अगर आप उनको जानती हैं तो आपके पास उनका नंबर भी होना चाहिए। देखिए मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज मुझे उनका नंबर दे दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो मैडम, आप कौन बोल रही हैं? जैसे ढूंढो तुम्हें। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी
तुझे शर्म नहीं आती निरंजन? कितना सब कुछ करने के बाद भी तू रीता के मामले में राय देना चाहता है कि रीता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं माँ, माँ ऐसी बात नहीं है। बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए निरंजन कि रीता अपने दुखों को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। माँ मैं बहुत खुश हूँ, बस माँ वो जिस तरह के कपड़े। बस निरंजन, तुझे अपनी सीख देने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ में इतनी समझ है कि रीता के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और फिर रीता खुद भी समझदार है। इसलिए तू सबकी चिंता मत कर, बस अपने पाप धोने का इंतजाम कर। माँ वो दरअसल। बस निरंजन, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। थोड़ी देर में रात का खाना तैयार हो रहा है और मैं उदय के हाथों भेज रही हूँ। चाची, आपने कुछ सोचा वो रीता की नाइटी के बारे में? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है गायत्री। उसको ना कह के मैं उसका काम नहीं बिगाड़ना चाहती, और हाँ कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप सही कह रही हैं चाची, मेरा भी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। चाची आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप सही फैसला ही लेंगी। मैं बच्चे को ये चॉकलेट वाला दूध पिला के आती हूँ। हाँ बेटा। मैं देखती हूँ। राहुल, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मिस्टर राहुल मेहता, सॉरी टू से बट यू आर डाइंग। मैं ठीक हूँ अभी, वो आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए थकान सी हो गई है। जल्दी खाना खा के रेस्ट कर लेना, ठीक है? ऑफिस में काम ज्यादा होगा और दिन भर तूने कुछ भी खाया नहीं होगा। राहुल बेटा, अगर तू ठीक से खाएगा नहीं तो थकान तो होगी ना, लेकिन मेरी बात मानता थोड़ी ना है तू। चल ठीक है, आज से तू जो खिलाएगी सब खा लूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। सच? बड़ा मस्का मर रहा है। राहुल तू रो रहा है, राहुल क्या हुआ? राहुल मेहता, सॉरी टू से बट यू आर डाइंग। आज तेरी बहुत याद आई मां।